वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एग्री न्यूज़। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार बोर्ड सभी छात्रों के साथ क्या कर रहा है पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बन चुके हैं कि अब जो आप सबों का फाइनल एग्ज़ाम में 42 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 42 में आप सबको 35 करने होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में यानी ऑब्जेक्टिव 50% कर दिया गया है। कई लोग बता रहे हैं कि 100% ऑब्जेक्टिव भी ही पूछिएगा तो कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ये सब आप लोग के मन में डाउट होगा, तो सब डाउट को क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने से, तो लास्ट तक बने रहें। मैं आप सबको ऑफिशियल नोटिस बताऊंगा क्या बिहार बोर्ड ने कहा है, कितना ऑब्जेक्टिव फाइनल में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले साल जितना सेंटर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, उतना ही फाइनल एग्ज़ाम में भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। और बिहार बोर्ड हमेशा सेंटर परीक्षा में पूछता, परंतु ऐसा ही फाइनल एग्ज़ाम में पूछता है। तो चलिए आप लोगों को नीचे बताते हैं कि 2023 में कितना रहने वाला है। 2023 में भी सेंटर परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव रहने पर 50 का जवाब देने को कहा गया था। सूत्रों से पता चला है कि 2023 में भी 100% ऑब्जेक्टिव ही आने की संभावना है। यहाँ तक कि सूत्रों से पता चला है कि आप ऑफिशियल नोटिस जारी कर देने के बाद भी कोई भी प्रक्रिया शुरू किया जाए कितना प्रतिशत ऑब्जेक्टिव रहेगा। अभी तक हम जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम रूटीन कब क्या होगा। तो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति लगातार 3 वर्ष से अपना रूटीन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है कि इंटर परीक्षा 1 फरवरी से 14 फरवरी तक लिया जाता है और मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से 24 फरवरी तक लिया जाता है। तो इस बार भी उम्मीद है कि सेम डेट पर ही इंटर और मैट्रिक की परीक्षा होगी।